welcome back, students. So we were discussing dilute solution and colligative properties in our previous lecture. तो अब तक हमने previously क्या क्या discuss किया है उसको अगर हम sequence में check कर लें तो हमने अभी तक किया है, सबसे पहले हमने discussion किया था regarding the solutions and its component. फिर हमने discuss किया था solution और उसके types. Then regarding solubility, फिर हमने jump किया था उसके बाद Henry law पे, उसके application पे. Then we have discussed vapor pressure. उसके बाद हमने discuss किया आपका Rod's law, उसके positive और negative deviation और azeotropic mixture. और उसके बाद हमने start किया था colligative properties, जिसमें से दो colligative properties हम already discuss कर चुके हैं, वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आज की क्लास में हम जो बाकी दो बची हुई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, वो डिस्कशन में लेके आएंगे. आई होप सो आपको ये वीडियोस अपने स्टडी प्लान में हेल्पफुल लग रहे होंगे. आप इनको ध्यान से रिपीटेटिवली चेक करते रहिए, ठीक है. और एक मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए, ठीक है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर स्टडी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसके बारे में थोड़ा बहुत एज ए जनरल नॉलेज कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपको नॉलेज होगी, ये मेरे को गारंटेड है, ठीक है. तो पहले हम जान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. मैं दोबारा बोल रहा हूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. श्योर, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है? तो जनरली आप जानते होंगे कि आपके घर में आप यूज करते हैं, मम्मी आप पापा आपका बर्ड यूज, आप खुद यूज करते हैं, भाई फ्रिज में ये रख दो. फ्रिज का मतलब यही है कि जहां पे आप आइस को बनाते हैं, जहां टेम्परेचर बहुत ठंडा है. तो फ्रीज का मतलब ही है जम जाना, किसी चीज का जमाव हो जाना. तो फ्रीजिंग पॉइंट, अब केमिकल सेंस में फ्रीजिंग पॉइंट या साइंटिफिक सेंस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? साइंटिफिक सेंस में फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि आप चेक कर रहे हैं ये पूरे का पूरा जो चैप्टर है वो वेपर प्रेशर के अराउंड ही घूम रहे हैं. आपने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो पहला जो आपने नई चीज सीखी वो थी वेपर प्रेशर. फिर आपने हेनरी लॉ सीखा, उसमें भी वेपर प्रेशर है. फिर आपने रॉड्स लॉ पढ़ा, उसमें भी वेपर प्रेशर है, ठीक है जी. फिर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन पढ़ा, उसके अंदर भी वेपर प्रेशर ही है, ठीक है. वहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? डेविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर. फिर आपने एजियोट्रॉफ पढ़ा, कि उसमें भी क्या होगा कि वेपर प्रेशर्स आर कमिंग इन ईच एंड एवरी टॉपिक विच यू आर डिस्कसिंग. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए हल्का सा थोड़ा सा जो है आप समझिए पहले. फॉर ए सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट आर इक्वल कर देते हैं, सेम की जगह बिकम्स इक्वल. ये ज्यादा बेटर वर्ड है. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट के लिए क्या है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉर्म
becomes equal to the vapor pressure of the solid form of the same substance. जैसे water के vapor pressure की liquid state और ice की vapor pressure दोनों equal होने चाहिए. तो क्या होगा उसका freezing point, क्या होगा उसका वो freezing point होगा. Are you sure? अब तक हम इसको बहुत बार repeat कर चुके हैं इस point को कि on adding ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट क्या होता है बताइए. ऑन एडिंग ए नॉन वोलाटाइल सल्यूट व्हाट हैपेंस, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज. किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू द सॉल्वेंट पोर्शन. तो जैसे ही आपने मान लीजिए वाटर लिया, वाटर में आपने कुछ ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका एक रिजल्टेंट क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. अगर सॉल्यूट का नेचर नॉन वोलेटाइल है तो पक्का गारंटी है. इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. तो जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका मतलब है उसको, क्योंकि जितने भी टेम्परेचर है चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट है चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम के प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं. तो फॉर ए सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये होगा फॉर ए सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर ए सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to the vapor pressure of the solid solvent. ये आपको याद रखना कि वो टेम्परेचर जिस पर क्या होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. तो सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन के अंदर दोनों में ही इक्विलिब्रियम चलेगा. यहां पर इक्विलिब्रियम किसमें है, बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड बिटवीन द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट. और यहां पर भी क्या है, इक्विलिब्रियम है बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ओके, श्योर अबाउट दैट? आप इसको ध्यान से विजुअलाइज कीजिए, ध्यान से देखिए. ओके, फिर हम आगे चलते हैं इसके बाद. ओके, श्योर? नाउ आप इसको अब ग्राफिकली समझिए. यहाँ पर मैंने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है, उसके वेपर प्रेशर को हमने प्लॉट किया है अगेंस्ट द टेम्परेचर. आर यू श्योर? तो इफ़ यू, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर क्या करते हैं, अगर आप इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस. इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता ही है टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो मान लीजिए ये जो है आपके पास, यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे आपने एक मान लीजिए पानी लिया या कोई सॉल्वेंट लिया आपने, ये रूम टेम्परेचर पे लिया आपने, धीरे धीरे आप उसको ठंडा कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, क्लियर नहीं है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस. तो जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस. ओके, तो ऐसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आपने ले लिया, तो ये यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर सॉल्वेंट है, धीरे धीरे आप कर रहे हैं उसको, धीरे चेक कीजिए मेरे पेन को देखिए, धीरे धीरे आप टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजिंग.
नाउ एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, एट दिस टेम्परेचर ये यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है खोला निशान, वहां पर क्या हुआ, द लिक्विड विल ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये इसका क्या होगा, ये होगा टी नॉट एफ, क्या होगा टी नॉट एफ। तो टी नॉट एफ क्या है, टी नॉट एफ होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, ठीक है क्लियरली अंडरस्टूड हुआ, तो दोबारा समझिए, यू टेक द सॉल्वेंट, यू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर। तो धीरे धीरे वेपर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, आपने एक लिक्विड लिया उसमें से हीट निकालनी शुरू कर दी, ओके विद द हेल्प ऑफ ए हीट पंप। तो क्या करेंगे आप, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट वो जो सॉल्वेंट है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो सॉलिड का वेपर प्रेशर भी कम हो रहा है। आर यू ओके विद दैट। तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जैसे कि वाटर का, फॉर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, आपका आंसर है 273 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबको मालूम है वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्लियर नहीं क्लियर, आर यू श्योर। बट वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर की प्रॉपर्टी है, लेकिन डिपेंड करते हैं आउटर एटमॉस्फेरिक पे। दोबारा से मेरी बात को सुनिए, जो वेपर प्रेशर है दैट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द टेम्परेचर, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट और या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के साथ साथ आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या आप पानी को बॉयल कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, यस। सबको मालूम है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, नियरली अबाउट मान लीजिए 23.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मान लीजिए आपने क्या किया, एक आप एक बीकर में या किसी भी वेसल में आप पानी ले लीजिए और वैक्यूम पंप से धीरे धीरे उसके ऊपर से आप एयर को प्रेशर कम कीजिए। अगर वेपर का प्रेशर और आई एम रिपीटिंग वंस मोर, इफ वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा, तो आपके पास क्या आएगा, तो आपके पास बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, मान लीजिए आपने वैक्यूम पंप लगा दिया और आउटरेक्स जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी 23.6 कर दिया, कहाँ से, आपने वैक्यूम पंप लगाया और 760 mmHg से धीरे धीरे प्रेशर कम करते गए बाय यूज द वैक्यूम पंप। प्रेशर को डिक्रीज करते करते आप पहुंच जाइए 23.6 mmHg पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे, वो रूम टेम्परेचर है। तो आप देखेंगे जो ग्लास में या बीकर में पड़ा हुआ पानी है वो बॉयल करना शुरू कर देगा। रीजन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड इतना नहीं करता जितना वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो आप पानी को बॉयल कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, और क्या करेंगे, अगर आप वाटर को
कि ऊपर जो वेपर प्रेशर है और जो बाहर का एक्सटर्नल वेपर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको इक्वल करते हैं। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन बॉइलिंग ऑफ द वाटर इज पॉसिबल इवन एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। अगर आपने क्या कर दिया है, आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कम कर दिया। सिमिलरली एक लिक्विड को बिना बॉयल किए ही कंप्लीटली आप इवेपर कर सकते हैं। ये अलग एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो ओके, मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसको अब। हाँ जी, तो हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को कि ये जो जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट, तो क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। मान लीजिए उसी रूम टेम्परेचर पे आपने पानी में कोई सॉल्ट डाल दिया या कोई नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, यहां पहुंच गया ऑफ दैट सोल्यूशन, क्योंकि अब सॉल्वेंट तो रहा नहीं हो। आपने क्या किया, आपने सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। अब आप कर रहे हैं धीरे धीरे उसके टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। तो ये क्या आ गया, इस पॉइंट पे आके जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है और जो किसका सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, लिक्विड सॉल्वेंट का नहीं सॉलिड सॉल्वेंट का, इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियरली दोबारा चेक कीजिए पेन को, देखिए कैसे पेन जा रहा है, ये नॉर्मल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लाइन है, आपने उसमें हल्का सा नॉन वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, इमीडिएट क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, यहां पहुंच गया। अब आप धीरे धीरे टेम्परेचर को लोअर कीजिए, तो टेम्परेचर लोअर करते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ वेपर प्रेशर भी लोअर होता जा रहा है, एंड द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, दैट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर सॉल्यूशन क्या हो रहा है, फॉर सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का क्या बेटे, फ्रीजिंग पॉइंट है, क्लियरली अंडरस्टूड। अब चेक कीजिए ये डिप्रेशन हुआ, कम हुआ, यहां टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए बोलते हैं डिप्रेशन, क्या बोलते हैं इसको, डिप्रेशन। तो आप बोल सकते हैं डेल्टा टीएफ जो है, क्या है ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Are you sure about that? तो same to same, it is the analog of the previous. अगर हम मान लीजिए इसको दोबारा redraw करेंगे तो it is the complete analog of boiling point. तो delta Tf की जो value आएगी वो किसके equal आएगी, वो आएगी equal to Kf into Mk. Kf into Mk. Where Kf is called मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम भी है, वो क्या है, वो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो केएफ इज आइदर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या है, के एफ एम के इक्वल है। तो डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम।
आप चेक करिए, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हुआ है, लेस हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट बिकम्स लेस, आर यू श्योर अबाउट दैट? और जो के एफ की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, तो आपको मालूम ही है, ये होगी आर टी स्क्वेयर इंटू डेल्टा फ्रीजिंग, सॉरी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्रीजिंग। के एफ वैल्यू क्या होगी, आर टी स्क्वेयर एम ए डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच। इट हैज़ द सेम डेरिवेशन विच वी हैव ऑब्जर्व इन एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट, इसलिए मैं डेरिवेशन दोबारा नहीं कर रहा, सेम टू सेम। वहाँ पर ये ट्रैंगल जो है, जैसे ये ट्रैंगल नीचे बनाया, वहाँ ट्रैंगल ऊपर बनता है, बस इतना फर्क है, बाकी वही है, सेम टू सेम है सिचुएशन। के एफ इज इक्वल टू आर टी स्क्वेयर एम ए 1000 डिवाइड बाई एच। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, के एफ की वैल्यू, और के एफ की वैल्यू क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड पर्टिकुलर सॉल्वेंट का है, ठीक है जी? और ये श्योर वर्ड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। वट इज के एफ, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। वट इज द वैल्यू ऑफ के एफ, आर टी स्क्वेयर एम ए डिवाइड बाई 1000 इंटू इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, इसको नोट ऑन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इफ यू लुक एट द ग्राफ वंस मोर हेयर, तो हम जो टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं इसको आप चेक कीजिए, दिस इज द ग्राफ एट रूम टेम्परेचर। तो इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, वट यू अप्रोशियट ऑल्सो डिक्रीज द टेम्परेचर एट विच, तो ये जो वन लाइन है वो सॉलिड की है, द वन लाइन में क्या है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सॉल्वेंट जो ए के बाद है, इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। तो वो उसका क्या है, टी नॉट एफ, क्या है ये, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द नॉर्मल लिक्विड, इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, प्योर सॉल्वेंट है। जो नंबर टू है वो क्या है, इफ यू एड लिटिल बिट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू दैट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड करने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होकर यहां पहुंच गया। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने एक चम्मच सोल्यूट डाला था, यहाँ पे आपने मान लीजिए दो चम्मच नमक डाला है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये और डिक्रीज हो गया फर्दर। तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड हेयर एट पॉइंट सी, इट्स द वेपर प्रेशर द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। ओके, तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट जो टी नॉट एफ है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन नंबर टू। तो आप चेक कर लीजिए, ध्यान से देखिए पेन कैसे जा रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ, चेक कीजिए। अब आपने दो चम्मच नमक डाल दिया मान लीजिए, तो फर्दर डिक्रीज हो गया प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो वहाँ से दोबारा से क्या किया आपने, जो डिक्रीज द टेम्परेचर, तो वट विल हैपन स्लोली एंड स्लोली एट दिस टेम्परेचर, जहाँ पे टी डबल डैश एफ आर है, जहाँ पे पॉइंट ई लिखा हुआ है, एट दिस टेम्परेचर क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। ई पर क्या है, सोल्यूशन थ्री का वेपर प्रेशर, ठीक है, एट ई क्या है, एट ई वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन थ्री बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। पॉइंट सी पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सेकेंड सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। और पॉइंट ए पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। तो ए पर क्या है, ए पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। पॉइंट बी पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वन इज इक्वल टू सेम क्या है, वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट। पॉइंट सॉरी पॉइंट ये बी नहीं, ये पॉइंट सी था। और पॉइंट ई पर क्या है, पॉइंट ई पर क्या है,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 3 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये वैल्यू के एफ की है, आर टी स्क्वायर एम ए डिवाइड बाई 1000 इंटू इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके, आर यू ओके विद दैट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेक कीजिए ध्यान से पेन को, के एफ इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एफ। वैल्यू ऑफ के एफ क्या है, आर इंटू टी स्क्वायर, टी यहाँ पर क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000 इंटू इनथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ द गिवन सॉल्वेंट। आर यू ओके? तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया, के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ में आप याद रखिए टी नॉट एफ पहले आएगा और टी एफ बाद में आएगा, क्योंकि डिप्रेशन है, डिक्रीज है। जबकि इसी पॉइंट पे आप डेल्टा टी बी को चेक करेंगे तो आंसर आएगा टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि उसमें एलिवेशन है, ये एलिवेशन की बात है और ये डिप्रेशन की बात। तो ये आप हल्का सा जो नोटिसेबल पॉइंट है आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, आपका आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। ओके, आर यू ओके विद दैट? श्योर, क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, देन आई विल रिपीट। देखिए मान लीजिए जो अगर आप वाटर में NaCl डालेंगे तो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा, एक सॉल्टी आइस बन जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर? तो पानी में नमक डालने पर क्या होगा, वो नमकीन बर्फ बन जाएगी। याद रखिए इस बात को, इस जो पर्टिकुलर पॉइंट को जो आइसक्रीम कार्ट वाले जो भैया होते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं आइसक्रीम कार्ट में, इस पॉइंट को नोट कर रखते हैं। असल में क्या है, जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। लेकिन आप जितना ज़्यादा नमक मिलाते जाएंगे पानी के अंदर उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। क्लियरली अंडरस्टूड ना? श्योर अबाउट दैट? तो ये पॉइंट आप माइंड में रखिए कि एज यू एड मोर एंड मोर ऑफ NaCl द, तो जनरली क्या होता है जो आइसक्रीम कार्ट में जो वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में इतना ज़्यादा नमक डाल देते हैं कि जो उनके कार्ड के इनसाइड का टेम्परेचर होता है, उसमें जो बर्फ़ जमी होती है उसका टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, वो इतनी ज़्यादा नमक डाल देते हैं। तो करते हैं पहले वो लेयर ऑफ आइस जमाते हैं, फिर लेयर ऑफ NaCl, फिर लेयर ऑफ आइस जमाते हैं, फिर लेयर्स ऑफ NaCl। तो उससे होता क्या है, वो सॉल्टी आइस बन जाती है। और वो आप चेक कीजिए ध्यान से, वो आइसक्रीम निकालने के बाद इमीडिएटली अपने उसको ढकने को बंद कर देते हैं। रीजन क्या है, ताकि बाहर से जो टेम्परेचर का उनका कट ऑफ हो जाए एकदम से। तो याद रखिए पानी में नमक डालने पर क्या होगा, जो अब सॉल्टी वाटर आएगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया, ठीक है, जो सॉल्ट प्लस वाटर है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इज मच लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। वो 0 डिग्री सेल्सियस बहुत नीचे पहुंच जाएगा, इसलिए नमकीन बर्फ का इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम काट के वेंडर। ठीक है जी, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने समझना है वो ये समझना है कि मान लीजिए जो यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ इंडिया में तो खैर कम ही जगह पे स्नोफॉल होता है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ पर या हिमालय से ऊपर जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर जो विंटर में बहुत ज़्यादा आपका स्नोफॉल होता है, तो स्नो को हटाने के लिए रोड से वो क्या करते हैं, वो NaCl या CaCl2 इज यूज्ड टू रिमूव स्नो फ्रॉम द रोड।
अब ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? असल में क्या होता है, जैसे ही आप NaCl या CaCl2 डालेंगे उस बर्फ में, तो क्या होगा, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, तो क्या होगा, वो डिक्रीज करके, तो इफ यू एड्स NaCl और CaCl2 स्नो, तो क्या होगा, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होने से क्या होगा, आसपास के जो, क्योंकि अब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, लेकिन आसपास का टेम्परेचर तो वही है जो पहले था, तो क्या होगा, ड्यू टू थर्मोडायनेमिक, क्या होता है कि यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट लगेगा, क्योंकि आसपास के जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, वहां से हीट फ्लो करके इस सॉल्टी आइस पे जानी शुरू कर देगी, और धीरे धीरे क्या होगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा समझिए, NaCl और CaCl2 या दोनों का मिक्सचर या प्लस MgCl डालने पे क्या होगा, जो स्नो लगी होती है रोड के ऊपर विंटर में, वो हट सकती है। कारण क्या होगा कि जब NaCl और CaCl हो जाएंगे, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो को डिक्रीज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आसपास की एयर से हीट जो है ट्रेवल करके एंटर करेगी उस सॉल्टी आइस में, और वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। आर यू ओके विद दैट? तो थोड़ी देर में क्या होगा, वो पूरी बर्फ पिघल जाएगी और आपका रास्ता क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, रोड्स में से स्नो हट जाएगी। आर यू ओके विद दैट? ठीक है, फिर क्या होता है, एक और सब्सटेंसेस हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज। क्या बोलते हैं? एंटी फ्रीज। सो एंटी फ्रीज क्या होते हैं? एंटी फ्रीज का जो एग्जाम्पल है, मोस्ट ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, आप कुछ भी सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है एंटी फ्रीज का, वो है इथिलीन ग्लाइकोल का एग्जाम्पल। तो एंटी फ्रीज, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एंटी फ्रीज लगा जो फ्रीजिंग के अंगेंस्ट है। तो होता क्या है कि जो जिन कंट्री से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और मान लीजिए साल के 9 महीने ठंडी रहती है, तो वहाँ टेम्परेचर क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे कार के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो बिल्कुल कार के फ्रंट पे लगा होता है, उसको बोलते हैं कार रेडिएटर्स। तो कार रेडिएटर में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो वो जो पानी है वहाँ से वाटर ट्रेवल करके इंजन की तरफ जाता है, और इंजन में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो कार रेडिएटर में पानी डाला हुआ है, प्लस उसमें कुछ कूलेंट डाले होते हैं, कूलेंट मतलब जो पानी को ज़्यादा हीट नहीं होने देंगे। तो कार रेडिएटर का मेनली काम क्या है, कार रेडिएटर का मेनली काम है कि वाटर की सप्लाई को इंजन के चारों तरफ लेके जाना, और वहाँ से जो हीट है इंजन की, उसको एब्जॉर्ब करवा देना। तो उससे क्या होगा, इंजन ओवर हीटिंग में नहीं जाएगा, और आपकी जो कार है और उसके जो कंपोनेंट है स्मूथली काम करते जाएंगे। आपने देखा होगा आपके डैशबोर्ड पे लिखा, एक सुई लगी होती है इंडिकेटर के लिए, ठीक है, हीटिंग के लिए इंडिकेटर होती है। तो अगर इंजन का टेम्परेचर अगर एक हद से बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर लगे होते हैं आजकल तो गाड़ियों में, तो इमीडिएटली क्या होता है, वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है ओवर हीटिंग होने पर। तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए कार के रेडिएटर में हम क्या डालते हैं, कूलेंट डालते हैं। लेकिन खैर, हम तो बात कर रहे हैं एंटी फ्रीज की। तो अगर उन कंट्रीज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, अगर मान लीजिए रेडिएटर का पानी जम जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो फिर पानी अगर जम गया तो सर्कुलेट तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में ही वो फ्लो करेगा, इसका मतलब सॉलिड स्टेट में फ्लो नहीं कर सकता। तो पानी को लिक्विड स्टेट में बनाए रखने के लिए क्या करते हैं वो, उसमें इथिलीन ग्लाइकोल, जिसका कमर्शियल नेम है प्रेस्टॉन, तो कमर्शियली इसको प्रेस्टॉन बोलते हैं। तो इथिलीन ग्लाइकोल को, क्या नाम है इसका, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल को वो कार रेडिएटर के पानी में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, अब रीजन है कि NaCl वगैरह क्यों डालते हैं, वाई NaCl और CaCl2 कैन नॉट बी यूज, तो इसको अलग से अभी पढ़ेंगे हम। पहले समझ लेते हैं कि इथिलीन ग्लाइकोल क्यों यूज किया गया। एक तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और वाटर में इजिली
क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा, पहली पॉइंट तो ये है। दूसरा, वो पानी को जमने नहीं देगा, पानी को रेडिएटर के अंदर फ्रीजिंग से बचा लेगा, और क्या होगा, पानी लिक्विड स्टेट भी रहेगा, सोल्यूशन फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम इसको डालेंगे। NaCl और CaCl2 इसलिए नहीं डालते क्योंकि जो रेडिएटर के पार्ट्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, मेटल्स के, कंपोज्ड ऑफ मेटल्स। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे पानी में तो जो तो उससे क्या होगा, सबको मालूम है नॉर्मल NaCl तो खैर हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन जो CaCl2 है या MgCl2 है दे अंडरगो हाइड्रोलाइसिस और जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक बन जाएगा, और ऑल मेटल्स आर बीइंग अटैक्ड बाय H+, जितने भी मेटल्स हैं वो H+ उस पर अटैक करते हैं, तो धीरे क्या होगा, वो मेटल जो है क्रोड हो जाएगा और आपका कार का रेडिएटर खराब हो जाएगा। इसलिए रेडिएटर के पानी में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करते, याद रखिए इस बात को। इसलिए हमने देखा होगा जो रेडिएटर का पानी है वो भी क्या होता है, बैटरी वाटर जैसा ही होता है, फ्री फ्रॉम आयंस, क्या होता है, फ्री फ्रॉम आयंस। अगर आयंस होंगे उसमें तो वो क्या करेगा, वहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जो कि डेंजरस है कार रेडिएटर के लिए, ठीक है। तो एंटी फ्रीज में क्या यूज करेंगे हम, इथिलीन ग्लाइकॉल, हम NaCl, CaCl2 या MgCl2 या और कोई सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा, क्योंकि वो एच, क्योंकि वो हाइड्रोलाइज होगा पानी के अंदर जाने के बाद, और इससे क्या होगा, अननेसेसरी एच प्लस प्रोड्यूस होगा, और एच प्लस जो है वो स्लोली एंड स्लोली विल ईट अवे द मेटल, तो उससे क्या होगा, आपके कार का रेडिएटर खराब हो जाएगा और कार चलनी एकदम से बंद हो जाएगी। टू प्रिवेंट दैट, दैट हैज बीन यूज्ड, ओके, क्लियरली अंडरस्टूड, श्योर, ठीक है। तो ये टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है, श्योर, तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, तो अब हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.20 को डिस्कस करेंगे, ये एनसीईआरटी में आपके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 5% सुक्रोज सॉल्यूशन है। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है C12H22O11, और पूछ रहा है तो उसमें जो TF वैल्यू है वो 273 केल्विन है, तो बताइए 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए वो वैल्यू क्या होगी। ग्लूकोज की वैल्यू होती है C6H12O6, क्लियर अंडरस्टूड और नॉट। तो आपको यहाँ पर प्योर बॉयल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है, और आपको यहाँ पर KF गिवन नहीं है, KF इज नॉट गिवन। तो KF जो है वो आप फर्स्ट सिचुएशन से निकाल के सेकंड सिचुएशन में पुट करेंगे, क्लियर आपको ये बात। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले सिचुएशन नंबर वन चेक कीजिए क्या बोल रहा है वो, कह रहा है डब्ल्यू बी जो है वो 5 ग्राम है, ऑब्वियस है जो डब्ल्यू ए होगा वो 95 ग्राम होगा, क्योंकि परसेंट मतलब इन ए 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो क्या आई है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी एफ होगा टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, दैट इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। तो टी नॉट एफ क्या है, 273.15, टी एफ क्या है, आंसर है 271। के एफ आपको मालूम नहीं है, डब्ल्यू बी आपको मालूम है 5, मोलर मास ऑफ सुक्रोज क्या है, तो आंसर है 342। डब्ल्यू इतना होता है, डब्ल्यू है मास ऑफ द सॉलिड, इतना क्या होता है 95। तो यहाँ से के एफ का जो वैल्यू आपके पास आया कितना आ गया, क्रॉस मोटर कीजिए कितना हो गया, 2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइड बाय 5 इंटू 1000।
होंगे, तो के एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको आप वन पुट कर दीजिए. नाउ दिस वैल्यू ऑफ के एफ इज यूज फॉर द सेकेंड सिचुएशन. तो सेकेंड सिचुएशन क्या है क्वेश्चन की, कि आपके पास 5% ग्लूकोज है. मैं मिड में पे हूँ, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ. हमारे पास एक 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन. अगर आपके पास एक 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन हो तो बताइए उसका टीएफ क्या होगा. आर यू श्योर? फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस बात को, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसलिए हमने डेल्टा टी एफ इस्तेमाल किया है. आर यू श्योर? अब सेकेंड पॉइंट वो बोल रहे हैं 5%, तो इसका नाम है ग्लूकोज का मास कितना है 5 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना होगा जो वाटर है 95 ग्राम. श्योर? आप इस वैल्यू को दोबारा पुट कर दीजिए वहां पे. कैसे पुट करेंगे आप देखिए, डेल्टा टी एफ आपको निकालना है इंटू के एफ इंटू एम, तो के एफ का ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, तो बाद में पुट करेंगे. कि मोलरिटी क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास होता है आपके पास 180 इंटू 1000 बाय 95. ठीक है बेटे, अब डेल्टा टी एफ को ऐसे रहने दीजिए आप, के एफ या के एफ लगाइए 2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइड बाई 5 इंटू 1000 इंटू 5 इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा 180 इंटू 95. चेक कीजिए ध्यान से, ये कैंसिल हो गया आपस में सबके सब, तो क्या आंसर आएगा आपके पास 2.15 इंटू 342 डिवाइड बाई 180. डेल्टा टी एफ लिए क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ. आर यू श्योर? तो अब आपके सामने टी नॉट एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पहले डेल्टा टी निकाल के लास्ट में आ सकते हैं आप, इसको छोड़ दीजिए डेल्टा टी एफ. तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पर, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है 4.03. तो टी एफ कितना आ गया आपके पास, टी एफ की वैल्यू आ गई टी नॉट एफ माइनस टी एफ. तो टी एफ की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, टी नॉट एफ माइनस 4.03. आर ओके विद दैट? टी नॉट एफ की वैल्यू क्या होती है, टी नॉट एफ होता है सामने लिखा हुआ है 273.15. आर यू श्योर विद दैट, द 0.15? ठीक है, आर यू श्योर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी एफ. करो नॉट, तो दोबारा समझिए कैसे किया है क्वेश्चन. आपको यहाँ पर के एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपने इसी के एफ की वैल्यू को यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करना, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं सॉरी नेक्स्ट पार्ट में यूज करना है यहाँ पे. तो फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के एफ फ्रॉम द सुक्रोज सॉल्यूशन, देन बाय यूजिंग दिस वैल्यू यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ओके श्योर? तो ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1 2.20 क्वेश्चन. देखिए मान लीजिए 50 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है, उसको आपने किस में ऐड किया है, 400 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो बताइए टी एफ क्या है अगर के एफ की वैल्यू 1.86 केल्विन मोलर इनवर्स है. आर यू श्योर? और आप ये बताइए अगर के बी की वैल्यू 0.52 केल्विन मोलर इनवर्स है, तो बताइए टी बी क्या है. मान लीजिए ये भी क्वेश्चन आ गया, एक्सटेंड हो जाएगा अगर आपको, तो पहले आप ये क्वेश्चन निकाल लीजिए कि मान लीजिए सबको मालूम है डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या है. पहले जो इथिलीन ग्लाइकोल है इसका जो मोलर मास है वो है 62 ग्राम के पर मोल. ओके आई रिपीटिंग वंस मोर, 62 ग्राम पर मोल. तो जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है वो क्या है,
वो है की एफ इंटू मोलैलिटी, तो की एफ की वैल्यू है यहाँ पे 1.86। व्हाट इज मोलैलिटी? गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, तो यहाँ पे आ गया 50/62 इंटू 1000/400। ठीक है सर, तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे ये 62 है, तो ये डेसिमल से ये दो जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ गया 62 × 3 = 186। ये हो गया 186 × 50 × 10/62 × 400। आपने दो जीरो काट दी डेसिमल के साथ, फिर ये डेसिमल ये सब कैंसिल आउट हो गया, आंसर विल बी 3। कितना आंसर आ गया? 15/4, इट मीन्स इट इज 3.75 डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई आपके पास। तो डेल्टा टी नॉट ऑफ क्या है? ये है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू 3.75। व्हाट इज टी नॉट एफ? 273 माइनस 3.75 इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू टी एफ। यू विल गेट द आंसर हियर, श्योर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेल्टा टी बी की वैल्यू होगी के बी एम के, क्योंकि मोलैलिटी सेम है दोनों सॉल्यूशन की। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ डेल्टा टी एफ बाय के एफ एम के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो के बाय के एफ की रेशियो है वही डेल्टा टी बी बाय टी एफ का रेशियो होगा। तो डेल्टा टी बी आपको निकालना है, डेल्टा टी एफ क्या है? 3.75, के बी की वैल्यू है 0.52, के एफ की वैल्यू है 1.86। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा टी बी कितना आ गया? 0.52 × 3.75 / 1.86। टी नॉट बी में क्या होगा? आंसर होगा टी माइनस टी नॉट बी। तो आप निकाल लीजिए, बिकॉज टी नॉट बी वैल्यू क्या है? 100 °C और 373 केल्विन। तो कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, टेक टी नॉट बी इक्वल टू 373 केल्विन। यहाँ पुट करके इसमें प्लस कर दीजिए, तो टी बी वैल्यू क्या आएगी? टी नॉट बी प्लस दिस वैल्यू। श्योर, क्लियरली अंडरस्टूड? ओके, चलिए।